नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन स्किल्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को अभी ज्वाइन नहीं किया है इलेक्ट्रीशियन स्किल्स को, तो कृपया उसे ज्वाइन जरूर करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आज मैं आपको इसके वीडियो के माध्यम से बताऊँगा केबल लक्स के बारे में। केबल लक्स के बारे में आज हम सीखेंगे। तो केबल के लक्स जो होते हैं वो मेनली चार शेप्स में होते हैं, रिंग, स्पेड और रेक्टेंगुलर और फ्लैश्ड शेप्ड। लेकिन दोस्तों, आपको पता होना चाहिए जब हम छोटी छोटी वायरिंग्स होती है, छोटे छोटे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के जो वायर होते हैं उन्हें हम लगाने के लिए, अभी आप देख रहे होंगे ये डिफरेंट टाइप्स के लक्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो जो ये लक्स हम यूज़ करते हैं, ये छोटे छोटे वायर्स होते हैं, उन पर हम लगाने के लिए इसे यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई छोटा है स्पीकर है या कुछ और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, उपकरण हैं, उन पर लगाने के लिए ये लक्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा जो उपकरण है वो स्पार्किंग ना करे, विद्युत का पूरा फ्लो उसे मिलता रहे, पूरा करंट उसे मिलता रहे। तो दोस्तों, कुछ शेप्स हैं लक्स के जो इसमें आते हैं। पहला है रेक्टेंगुलर, दूसरा है रिंग लक्स, रेक्टेंगुलर लक्स। ये जो लक्स होते हैं ये आकार के हिसाब से हैं, जैसे कि रेक्टेंगुलर है तो आगे से ये क्या है, आयताकार है। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट है रिंग लक्स। रिंग लक्स जो होता है वो आगे से गोल शेप से में होता है, जो रिंग के जैसे आकार में। नेक्स्ट है स्पेड। स्पेड मतलब आगे से खुला हुआ। अभी आप देख रहे होंगे ये लक्स है, बिल्कुल आगे से ओपन है ये, और विथ इंसुलेशन है, इसमें पीछे की तरफ इंसुलेशन की कोटिंग होती है। तो इन्हें क्या है, क्रिम्पिंग टूल से लगाने के बाद में इन्हें इंसुलेटेड ऑलरेडी पहले से किए हुए होते हैं और इन्हें करने पड़ते हैं। फ्लैगनेट स्पेड, ये जो आप देख रहे हो लक्स, इस लक्स का क्या फ़ायदा है कि इसे लगाने के बाद में ये लॉक हो जाता है, कोई भी वायर हम खींचेंगे तो ताकि इससे निकल नहीं पाता है। तो इस वाले लक्स का इस्तेमाल हम लॉकिंग के साथ करते हैं। एवं इन्हें लगाने के लिए हमें किस टूल्स की आवश्यकता पड़ती है, वो टूल्स हैं हमारे पास दोस्तों क्रिम्पिंग टूल्स। क्रिम्पिंग टूल्स का हम इस्तेमाल करते हैं। क्रिम्पिंग टूल्स लगाने से पहले हम उसके वायर को छील लेते हैं, छील करके उसके ऊपर का इंसुलेशन हटा करके उसे लग में लगा करके फिर हम क्रिम्पिंग टूल्स की सहायता से प्रेशराइज करते हैं ताकि हमारा जो लक्स है उस वायर पर फिट हो सके या फिट हो जाए। तो अभी आप देख रहे होंगे हमने एक वायर के आगे लास्ट वाले सिरे पर हमने टर्मिनल्स जो हैं उनके वायर के उस पर हमने लग्स लगा दिए हैं। तो केवल लग्स का इस्तेमाल वायर को जोड़ने के लिए ही किया जाता है दोस्तों, कि वायर को ताकि पूरा करंट हमें मिल सके, स्पार्क ना हो। अहम ध्यान है दोस्तों, हम उस पर लग लगाने के बाद में उस पर ग्रीस जरूर लगाना चाहिए ताकि उस पर कार्बन या कुछ और ना जम पाए। तो ग्रिस से क्या है, हमारा जो जॉइंट्स है या जो हमने लक्स लगाया वो सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, जो हमने लग लगाई है जैसे कि कोई बैटरी है उसके वायर के टर्मिनल के आगे है, या कोई भी हम वायर का कनेक्शन कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मर है, रिले वगैरह हैं, सब के कनेक्शन हम कुछ इस प्रकार लक्स लगा करके हम यूज़ करते हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे हमने एक बस बार के आगे लक्स लगाई हुई है। तो ये लक्स से क्या है, एक तो वायरिंग की सुंदरता बढ़ती है, दूसरी बात है कि हमें वायर को ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होती है, वायर हमें आसानी से मिल जाता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो लाइक करें एवं अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।